ये हो गया जंप लेवल 1, ये हो गया जंप लेवल 20, और ये हो गया जंप लेवल 50। ओ गाइस सॉरी, जंप लेवल को इंक्रीज करने के चक्कर में आप लोगों को हेलो करना भूल ही गया। और कैसे हो आप सब लोग? फिलहाल मेरा जंप लेवल है 50, और अभी मुझे इतनी प्रैक्टिस करनी है कि मैं डायरेक्टली जंप करके स्पेस तक पहुंच पाऊं। हाँ गाइस, स्पेस तक पहुंचना हम में से काफी लोगों का सपना होगा, जिसको मुझे पूरा करना होगा। जंप लेवल 100 हो चुका है, अब इस ऑफिस के ऊपर से कूदते हैं। अबे जंप लेवल बड़ा क्यों नहीं? शायद मुझे किसी और चीज के ऊपर से कूदना चाहिए। अब ये कहां से आ गया? गाइस ये है वोल्केनिक ड्रेमन, शायद हमें इसके ऊपर से कूदना चाहिए। नहीं यार गाइस, इसकी हाइट बहुत ज्यादा है और ये काफी ऊपर भी चढ़ा हुआ है। इस वाले प्लान को फिलहाल पोस्टपोन करते हैं और कुछ और चीज ढूंढते हैं। गाइस वहां पर कौन लेटा हुआ है? ये तो मिस्टर पोपो है। क्या ये धूप सेक रहा है? अबे पागल हो गया है क्या? एक तो ये पहले ही इतना कल हुआ है, ऊपर से धूप सेक रहा है। तो ठीक है मिस्टर पोपो, इससे पहले तू जल के गायब हो जाए मैं तेरे ऊपर से जंप मारने वाला हूँ। बुरा मत मानियो भाई। गाइस हो गया, और साथ ही हमारा जंप लेवल भी बढ़ चुका है। एक सेकेंड, यहाँ पर तो बहुत सारे पिकोलो हैं। शायद पिकोलो अपनी क्लोनिंग पावर पे काम कर रहा है। वैसे गाइस एकदम अच्छा मौका है अपनी जंप प्रैक्टिस करने का, तो फिर कूदते हैं। अरे नहीं 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 नहीं, आओ, थोड़ी सी कसर रह गई। कोई नहीं गाइस, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इस बार थोड़ा पीछे से आएंगे और ये वो, इस बार तो कर लूंगा। और हो गया, क्या बात है, सारे पिकोलो को क्रॉस कर लिया हमने। पर गाइस मुझे अभी कूदने के लिए और भी बड़ी चीज चाहिए। गाइस वहाँ पर तो एक कार्गो प्लेन है, किसी बेवकूफ ने इसी गलत जगह पे पार्किंग की हुई है। अबे सब मरीन भी खड़ी हुई है यहाँ पर, तो इसको तो पानी में होना चाहिए था। आज ये हो क्या रहा है? फ्री पार्किंग की स्कीम चल रही है क्या यहाँ पर? अपने को इन सब चक्रों में नहीं पड़ना, अपना तो बस एक ही टारगेट है और वो है अपनी जंप लेवल को इम्प्रूव करना। देखी मेरी जंप पावर, मैं पहले से ज्यादा ऊंचा कूद पा रहा हूँ। जंप लेवल है 700। अब कूदते हैं इस जायंट सबमरीन के ऊपर से, और ये इतना सिंपल था ये वाला। तो जंप लेवल है 999, पर स्पेस तक पहुंचने के लिए मुझे 1,000,000 जंप लेवल चाहिए। एक सेकंड ना गाइस, वो वोल्केनिक ड्रैगन रह गया था कूदने के लिए, तो जल्दी से कूदते हैं। होने वाला है, हो गया, जंप लेवल है 2000, पर मुझे कुछ अजीब सी फीलिंग आ रही है। मैं तो सुपर साइन में कन्वर्ट हो चुका हूँ, इसका मतलब मैं जैसे जैसे जंप लेवल को बढ़ाता जाऊंगा मैं और भी कैरेक्टर में ट्रांसफॉर्म हो सकता हूँ। गाइस देखो हमारे सामने है ये डेंजरस पार्कर चैलेंज। हमें हर एक टारगेट पर सही से जंप करते हुए आगे बढ़ना होगा और पहुंचना पड़ेगा उस फिनिश लाइन पर। जंप लेवल को इम्प्रूव करने के लिए ये चैलेंज करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो स्टार्ट करते हैं। पहली वाली जंप तो एकदम बढ़िया रही, पर मुझे वो रेड वाले पे कूदना है जो थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, पर कूदना तो पड़ेगा। अरे वाह, ये वाला भी आसानी से हो गया। जंप लेवल 8000 के ऊपर हो चुका है। ये ग्रीन वाला तो काफी चौड़ा है, ये तो आराम से हो जाएगा। बूम। गाइस देख रहे हो ना, आपका भाई प्रोफेशनल हो चुका है। हम कहां से चले थे और अब कहां को आ चुके हैं। अब करते हैं फोकस, और ये भाई भाई भाई, मतलब एकदम साइड में था मैं। गाइस मैं आपको इतना खतरनाक स्टंट दिखा रहा हूँ, कम से कम वीडियो को लाइक तो कर दो ना। तो अब हमारा टारगेट है वो बड़ा वाला प्लेटफॉर्म, वहाँ तक डायरेक्टली पहुँचना काफी रिस्की होगा। तो वो जो नीचे रेड वाला टारगेट है ना, हम पहले उस पर जंप करेंगे, उससे हम उस बड़े वाले प्लेटफॉर्म के काफी नजदीक पहुँच जाएंगे। और ये कमॉन कमॉन कमॉन। ओ गाइस फिर से क्या बाल बाल बचाऊं, मामला काफी नजदीक था। चलो प्लेटफॉर्म एकदम सामने है हमारे, तो बहुत ज्यादा सिंपल था। जंप लेवल 30,000 के ऊपर पहुंच चुका है। वेट वेट गाइस वेट, सामने एक ट्रॉली जैसा, मतलब रोप वे जैसा कुछ है। हाँ वो रोप वे है, वो भी बिना केबल का। और मजे की बात है कि रोप वे ठीक फिनिश लाइन के ऊपर है। अगर हम रोप वे तक पहुंच जाते हैं तो हम फिनिश लाइन के भी काफी पास पहुंच जाएंगे, पर प्रॉब्लम है कि रोप वे यहाँ से बहुत दूर है। अरे गाइस वहाँ नीचे एक टारगेट है, अगर हम उस टारगेट तक पहुंच जाते हैं तो रोप वे के पास पहुंच जाएंगे, तो देरी किस बात की। अरे नहीं, ये मेरे साथ ही क्यों होता है? गाइस ओवर कॉन्फिडेंस में मैंने जल्दबाजी कर दी और मुझसे मिस हो गया, पर इस बार गलती का कोई चांस नहीं दूंगा। फोकस भाई फोकस। हो गया, जंप लेवल 35,000 हो चुका है। सामने है वो रूप है जो कि अब भी काफी दूर और मुश्किल है, देखते हैं मैं कर पाता हूँ कि नहीं। हो जा भाई हो जा। गाइस हो गया, फाइनली हम रोपवे के ऊपर है, वो भी बिना रोप वाली रोपवे के ऊपर। अब बारी है अब तक की सबसे दूर और डिफिकल्ट जंप की। ठीक हमारे सामने है वो फिनिश लाइन, पर गाइस हमारे ठीक नीचे वो तेज बहता हुआ पानी भी है, तो एकदम संभल के कूदना पड़ेगा। 3, 2, 1, गो।
ओह गाइस, हम बहुत ज्यादा हिट पर हैं। कम ऑन, हो गया गाइस, हमने फिनिश लाइन को क्रॉस कर लिया और जंप लेवल 50,000 को पार कर चुका है। मुझे तो बहुत ही अच्छी वाली फीलिंग आ रही है। अरे वाह, मैं सुपर साइयन 2 पे अपग्रेड हो चुका हूँ। मेरी आईज का कलर ब्लू हो चुका है। खैर, मेहनत का फल तो मिलना ही था, पर गाइस इतनी जंप पावर से बात नहीं बनने वाली। सामने है वो मेज बैंक। हाँ, हमें उसके ऊपर से जंप करना होगा, पर उससे पहले हमें छोटी छोटी बिल्डिंग के ऊपर से जंप करना चाहिए, जैसे कि वो वाली बिल्डिंग। 3, 2, 1। ये वाली जंप तो काफी डिफरेंट है, पर लगता है टक्कर होने वाली है। चलो कोई बात नहीं, वैसे भी ये मेरी पहली वाली अजीब जंप थी। आप किसके ऊपर से कूदे? हाँ, सामने वो मेडिकल सेंटर है, उसके ऊपर से कूदते हैं। वो, वो, वो। भाई साहब, हॉस्पिटल के साथ पूरा हाईवे क्रॉस कर लिया हमने। आउच, बस ये लैंडिंग सही से नहीं हो रही। छोटी मोटी बिल्डिंग तो बहुत कूद ली हमने, अब इस क्रेन के ऊपर से कूदते हैं। गाइस, क्या क्रेजी जंप है ये, बस लैंडिंग सही से हो जाए। पूल में भाई, पूल में। अबे यार, तोड़वा ली हड्डियां। चलो कोई नहीं, अब उस हेलीकॉप्टर के ऊपर से कूदते हैं। कमान कमान कमान, हेलीकॉप्टर से तो काफी ऊंचा पहुंच गए हम, इवन मेज बैंक की हाइट के आसपास हैं। पर हम जा कहां को रहे हैं? हमारे सामने बिल्डिंग है। साइड हो जा, साइड हो जा। वाओ गाइस, जंप लेवल 100,000 पार हो चुका है। चलो ये तो अच्छी बात है, इतनी जंप लेवल काफी होगी मेज बैंक को क्रॉस करने के लिए। हाँ गाइस, मेज बैंक के बहुत ही ऊपर है हम लोग, और ये कर लिया मेज बैंक को क्रॉस। बस अब एक चीज इंप्रूव करनी है। गाइस, जंप लेवल 150,000 के ऊपर है, पर अब तक हमारा ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ है। शायद मुझे जंप मारते रहना होगा। जंप लेवल काफी जल्दी जल्दी बढ़ रहा है। इस बार तो सही से लैंडिंग कर जा। ओ भाई, सीधा सर के बल गिरा हूं। अब ये वाली जंप बहुत जोर से मारेंगे। ये हुई ना बात, हम एयरपोर्ट की तरफ जा रहे हैं हवा को चीरते हुए। जंप लेवल 200,000 के ऊपर है, और स्पीड की तो क्या ही कहने, लगता है बुरी तरह से पड़ने वाली है। ओए, क्या रगड़ के गया ये। थैंक गॉड मैं एकदम ठीक हूँ, पर गाइस फिर से कुछ अलग सी फीलिंग आ रही है। ओ गाइस, फाइनली मैं सुपर साइयन 3 में ट्रांसफॉर्म हो चुका हूँ। क्या हेयर स्टाइल है बॉस। ओए आराम से आराम से। चलो इस बार तो लैंडिंग सही से हो गई, और सामने वो जायंट टावर, मतलब इसकी हाइट देखो, इसका टॉप वाला फ्लोर तो स्पेस को छू रहा है। अगर मैं किसी तरह इसके टॉप तक पहुंच जाता हूं, तो अपना जंप लेवल बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएगा, और एक बार हमने 1,000,000 जंप लेवल पूरा कर लिया तो हम आसानी से स्पेस तक पहुंच जाएंगे। हैं, ये तो मास्टर रोशी है, शायद ये मुझे कुछ बताना चाहते हैं। गाइस, मास्टर रोशी से मेरी बात हो चुकी है, और इन्होंने बताया है कि जायंट टावर में हमारे दुश्मन हमारा वेट कर रहे हैं। शायद वो नहीं चाहते कि मैं टावर के टॉप तक पहुंचूं। जिंदा तो बिल्कुल नहीं, तो वो हमें रोकने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। हमें एकदम अलर्ट रहना होगा। गाइस देख रहे हो, एक जंप मारते ही कितना ऊपर को आ गए। शायद हम मेज बैंक से भी ऊपर है, पर अभी तो हमें काफी ऊपर जाना है। आराम से लैंड हो जा, आराम से। हो गए लैंड। जंप लेवल 300,000 के ऊपर जा चुका है, पर मुझे एक चीज करने का बहुत ही मन हो रहा है। क्या हम इस जायंट टावर के अंदर से जंप मार पाएंगे? चलो ट्राई मार के देख ही लेते हैं। अंदर से तो ये और भी खतरनाक है। संभल के भाई, नीचे बहुत ही गहरा है, हमें नीचे बिल्कुल भी नहीं गिरना। क्या बात है, हम तो अंदर से भी बढ़िया जंप मार पा रहे हैं। एक बार फिर से कूदते हैं। बूम, अगली वाली जंप बाहर से मारेंगे, फिर हम बड़े वाले प्लेटफॉर्म पे पहुंच जाएंगे। कमान कमान कमान। गाइस, जंप लेवल 500,000 के ऊपर है, और शायद मैं फिर से ट्रांसफॉर्म होने वाला हूँ। गाइस, सुपर साइयन 4, मैं सुपर साइयन 4 में ट्रांसफॉर्म हो चुका हूँ। अब तो जंप और भी इंटरेस्टिंग होने वाली है। अबे ये तो वेगेटा है। अच्छा बच्चू, तू मुझे रोकना चाहता है, पर मेरा ट्रांसफॉर्मेशन इतना खतरनाक है ना कि तू मेरा कुछ नहीं कर पाएगा। अब ये खा के बता। अबे एक ही सुपर पंच में लेट गया, बड़ा आया था मुझे रोकने के लिए। गाइस, अब बारी है और भी ऊपर जाने की। वो जो रिंग के शेप में ऊपर स्ट्रक्चर बना हुआ है ना, हमें वहां पर पहुंचना है। होपफुली पहुंच जाएंगे। ओ यार, ये तो मिस हो गया। कोई बात नहीं, दोबारा ट्राई मारते हैं। इस बार तो हो जाइयो यार। हो गया, चलो पहली वाली रिंग पे तो पहुंच चुके हैं। यहाँ साइड से देखो, हम कितनी ज्यादा हाइट पर है, बस वो सेकंड वाली रिंग भी अच्छे से क्रॉस हो जाए। आराम से आराम से। फाइनली हम दूसरी वाली रिंग के ऊपर पहुंच चुके हैं, और जंप लेवल 650,000 के ऊपर है। अब हमें जस्ट वो ऊपर वाले प्लेटफॉर्म के ऊपर पहुंचना है, और ये चले, और पहुंच गए।
अब ये क्या चीज है, ये तो ओमेगा शेरॉन है और वो भी बहुत सारे कुत्ते हमेशा झुंड में आते हैं शिकार करने के लिए। उनको दिखाता हूँ मैं अभी। ओ थोड़ा साइड में लगा, एक बारी और मारेंगे मेगा पंच। वो वैसे ये वाला भी साइड को लगा था पर जोरदार था। बाकी कहाँ को भाग रहे हो? ओ भाई डर के मारे नीचे कूद गए। अब तू कैसा अकेला चौड़ में खड़ा हुआ है, हिम्मत देखो इसकी। चल यहाँ से, चंप लेवल 8.5 लाख से ऊपर है और लगता है फिर से कुछ होने वाला है। गाइस मैं ट्रांसफॉर्म हो चुका हूँ अल्ट्रा इंस्टेंट गोकू में। मतलब ये सच्ची में कितना कमाल है। अब बस एक दो प्लेटफॉर्म और बचे हुए हैं फिर हमारे 10 लाख जंप लेवल कंप्लीट हो जाएंगे। काफी सही जा रहे हैं गाइस। और ये बूम, ओ गाइस जंप लेवल 9.5 लाख के ऊपर है और हम कितना ज्यादा ऊपर आ चुके हैं वो देख रहे हो ना। माउंट चिल्लियार से हम कितने गुना ऊपर है। हमें बस उस आखिरी वाले प्लेटफॉर्म पर पहुंचना है, वो भी सही सलामत। यहाँ पर हम बिल्कुल भी गलती नहीं कर सकते, तो ध्यान से भाई। ओह गाइस हम ऊपर आ चुके हैं और ये पहुंच गए। अभी ये तो किंग कोल्ड है, मैं बता रहा हूँ कोई फायदा नहीं है। अब क्यों चिल्ला रहा है, मैंने तुझे भागने का मौका दिया था, तेरे को तो मैं ऐसे नीचे फेंकने वाला हूँ। अरे भाई इसकी तो बॉडी भी नहीं मिलेगी शायद। गाइस हम लॉस एंजेलिस के हाईएस्ट एल्टीट्यूड पर हैं और आप देख सकते हो जंप लेवल 10 लाख हो चुका है, यानी हम स्पेस में जाने के लिए रेडी हैं। तो जल्दी से लाइक वाला बटन दबा दो क्योंकि ये बहुत ही क्रेजी होने वाला है। गाइस ये तो सुपर डुपर अल्टीमेट स्पीड है और हम कभी भी स्पेस में एंटर कर सकते हैं। बूम गाइस हम फाइनली स्पेस में पहुंच चुके हैं और अब भी हम उड़ते जा रहे हैं, शायद हम मून पर पहुंचने वाले हैं। तो गाइस कमेंट करना आपका फेवरेट करेक्टर कौन सा था और बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी, ओके नाइस वाओ या ओपी, या आप लोग अपने मन से कुछ भी अच्छे से कमेंट कर देना, इससे हमें बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है। गाइस आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। नाउ फर्स्ट शॉट आउट गोज टू अदनान एंड सेकंड शॉट आउट गोज टू कानू भाई। थैंक यू भाई मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करने के लिए। जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर एंड बाय।